हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी और आगे कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए चलते हैं फटाफट अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, हर तरफ ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। हॉस्पिटल्स में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में मर रहे हैं। तो घरेलू उपाय लाई हूँ ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का, इम्प्रूव करने का। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही पुराना नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास है ये कपूर, तो कोई भी आप कपूर ले सकते हैं। दोस्तों इसको फाड़ कर मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूजा पाठ के काम में बहुत आता है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता देती हूँ, बहुत ही सस्ता मिलता है और किसी भी परचून वगैरह की शॉप में ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। कुछ इस तरह का देखिए दोस्तों स्लैब है, ये इस तरह से आता है, कई तरह का आता है, बड़े बड़े पैकेट भी आते हैं इसके, छोटे छोटे गोलियाँ भी आती हैं। ये तो रहा पैकेट वाला दोस्तों कपूर, देसी कपूर अगर आपको मिल जाता है तो बहुत और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा होता है नुस्खों के लिए। लेकिन अगर देसी कपूर नहीं मिल पा रहा है तो ये सबसे अच्छा है। अब ये जो होता है कपूर दोस्तों, इससे जब भी, अभी तो आप देख पा रहे हैं कि ये पैकेट में रखा हुआ है, बंद पैकेट में। लेकिन अगर आप देसी कपूर लाते हैं तो उसे एकदम टाइट डिब्बी में रखें, क्योंकि ये जो कपूर है दोस्तों हवा के संपर्क में आते ही धीरे धीरे उड़ने लगता है, ये धीरे धीरे उड़ जाता है। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर नुस्खा होता है कपूर का। तो हमें आज का जो हमारा नुस्खा है, ये जो घरेलू नुस्खा जिस तरह से दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं, घरेलू नुस्खे से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की, इसमें ज़रूरत होगी हमें कपूर की। तो कपूर हमें थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होगा। बड़े बड़े स्लैब हैं इसलिए आप 3 से 4 स्लैब ले लीजिए। अगर देसी कपूर है तो कम से कम 50 ग्राम के ऊपर ही आपको कपूर लेना है। 100 ग्राम कपूर भी ले सकते हैं, या फिर डिपेंड करता है कि आपका घर कितना बड़ा है, आप कितनी जगह पे इसे यूज़ करना चाहते हैं। अभी मैं बताऊंगी कि इसे यूज किस तरह से करना है। तो ये रहा हमारा कपूर, कपूर आप ले लीजिएगा दोस्तों, कम से कम 3 से 4 पैकेट तो ले ही लीजिएगा कपूर। मैं यहाँ पर आपको नुस्खा बता रही हूँ। तो कपूर के साथ साथ हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होगी। तो ये तो रहा हमारा कपूर, दूसरी जो चीज़ है वो है हरी वाली इलायची। इलायची भी थोड़ी ज़्यादा ही हमें चाहिए होंगी, जैसे इतनी हम हटा लेते हैं, इतनी तब भी आप लीजिएगा इलायची। अब जो ये इलायची और कपूर का नुस्खा है, इसे जब बनाकर आप घर पर रखेंगे या फिर प्रयोग में लाएंगे तो जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन होता है घर में। आपने देखा होगा कि कई बार जब होलिका दहन होता है तब उसमें बात की जाती है इलायची को जलाने की, या फिर जब हम घर पर हवन करवाते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें ढेरों ढेर कपूर यूज़ होता है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि जो बैक्टीरिया हैं घर के, जो वायरस हैं, वो मर जाएं और घर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन हो, घर का जो वातावरण है वो इतना शुद्ध हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि अभी जो कोरोना वायरस है उसी के कारण ऑक्सीजन लेवल में कमी हो रही है, जो अस्थमा के रोगी हैं उन्हें भी कई बार ऑक्सीजन यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, या फिर जिन्हें बहुत भयंकर जुकाम हो जाता है उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और गला जो है वो सही से खुलता नहीं है। तो ये नुस्खा अगर आप अपनाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों में बहुत ही राहत मिलेगी। जैसे मैंने बताया, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इन्हें बिल्कुल आजमा के देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है घर के नुस्खे आजमाने में। आप तो देख ही रहे हैं सभी लोग कि ऑक्सीजन की क्या मारामारी, कितना हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन की वजह से। तो घर में अगर इस तरह से किसी को भी दिक्कत है, इस समय जुकाम वगैरह है, कोई अस्थमा का रोगी है, तो आपको करना ये है कि बस ये कपूर लेना है, इलायची लेनी है, इस तरह से कटोरी में लेकर के आपको रख देना है घर में। तो इससे जो रिएक्शंस होंगे, यानी कि ये जो बाहर
इसकी जो खुशबू है वो जब उड़ेगी, वो पूरे घर में जाएगी, तो आपके घर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो सुधर जाएगा। लेकिन अब पूरे घर में अगर एक जगह रखेंगे तो ये काम नहीं बनेगा। इसके लिए तभी मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसके लिए कपूर, कम से कम 100 ग्राम कपूर चाहिए होगा और ढेर सारी इलायची चाहिए होगी। तो आपको करना ये है कि जैसे आपके घर में 3-4 कमरे हैं तो अलग अलग कमरों में कटोरियों में थोड़ा थोड़ा बना करके रख दीजिए। जैसे 2 टुकड़ा हमने कपूर का रख दिया, कुछ इलायची रख दी। अलग अलग कमरे में रखेंगे तो ज़्यादा असरकारक होगा। इसी के साथ साथ घर में कोई बीमार है, उसे ज़्यादा दिक्कत है, तो इसकी पोटली जैसी बना करके या फिर इस कटोरी को जहाँ वो सोते हैं, जहाँ वो लेटते हैं, उनके बेड के पास में आप इसे रख दीजिए, या फिर इसकी पोटली बना दीजिए, कपड़े में छोटी छोटी पोटली बना दीजिए और उनके तकिए के पास में रख दीजिए। इससे उन्हें ज़्यादा आराम मिलेगा। घर से अगर बाहर जा रहे हैं तब भी आप इसकी पोटली बना करके पतले कपड़े में, एकदम पतला कॉटन के कपड़े में आपको बनाना है, इसकी पोटली बना के उनको दे दीजिए और जेब में डाल लें। इससे उन्हें बहुत ही आराम मिलेगा। अगर गला बंद है, नाक नहीं खुली हुई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जब आप इसे सूंघेंगे तो जो है आपको बहुत ही आराम मिलेगा। आपकी जो नाक और गला है वो रास्ते खुल जाएंगे और आप आसानी से थोड़ा सा सांस ले पाएंगे। तो दोस्तों ये तो था हमारा हरी इलायची और कपूर का नुस्खा। एक और नुस्खा है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके पास में इलायची नहीं है तब आप क्या करें, अजवाइन होती है ना घर पर खाना बनाने में जो यूज़ होती है, ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसका ये छोटा छोटा एक एक दाना सांस लेने में और इन जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में है ना, इसका बहुत काम करता है। तो इसके साथ में आपको कपूर का इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर कई बार होता है घर पर इलायची नहीं होती है हरी इलायची, लेकिन अजवाइन तो होती ही है, तो आप अजवाइन को इस तरह से जैसे मैंने बताया, इसके भी छोटी छोटी पोटली कर लीजिए या फिर कटोरियों में बना करके हर कमरे में आप रख दीजिए। ये तो कपूर तो उड़ जाता है, अजवाइन आपकी बची रहेगी। तो लेकिन अजवाइन को फिर आप खाने वाने के प्रयोग में ना लाएं। तो ये वाला नुस्खा आप अजवाइन के साथ भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है सांस को, यानी कि जो श्वसन क्रिया है उसके लिए। तो कई बार दोस्तों ये नुस्खा जो है बहुत ही पुराना है, वैष्णो देवी वगैरह जो लोग जाते हैं तो वहाँ पर जब चढ़ाई करते हैं तो उन्हें ये कपूर की इस तरह से छोटी छोटी पोटली दी जाती है, क्योंकि जैसे जैसे मुँह पर चढ़ाई करते हैं पहाड़ों में तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो ये पोटली दी जाती है कि जैसे ऊपर जाएँ अगर उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उन्हें ये दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये दो नुस्खे हैं यहाँ पर कपूर के, और कपूर का एक तो इलायची के साथ में, दूसरा अजवाइन के साथ में। तो आप इसे आजमा सकते हैं, आजमाने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगा हो कि थोड़ा सा भी आज का जो हमारा नुस्खा है कारगर है, दोस्तों मेरी कोशिश यही है इस समय कि आप लोगों को ऐसे नुस्खे बताऊं घर वाले जो जिसमें, क्योंकि इस समय जो महामारी चल रही है दोस्तों, बाहर जाके हॉस्पिटल्स का हाल बहुत बुरा है, तो बस मेरी यही कोशिश है आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर सकूं। तो अगर आपको ये लगे अच्छा है वीडियो तो सारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।